आज इस हरे भरे से प्रदेश से होते हुए मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल की तरफ। अजीब सा, पुराना सा, अलग सा नाम है, देखते हैं कैसा है। बाली से लगभग 34 किलोमीटर दूर उबुद नाम की जगह है और यहाँ भी टूरिस्ट 2-3 दिन जरूर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बाली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उबुद से कुछ दूरी पहले ही एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है टेगनुंगान वाटरफॉल, और इसका ये एंट्री टिकट मैंने ले लिया है जो कि ये 20,000 इंडोनेशियन रुपया यानी कि लगभग 100 रुपये का एंट्री टिकट है। यहाँ पर वाटरफॉल का ये दिख रहा है, ड्यूरिंग रेनिंग सीजन भी लिखा हुआ है और नॉर्मल टाइम में ऐसा रहता है, तो देखते हैं कैसा रहेगा और नहाने वगैरह को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्या है, सब जाके पता चलेगा वर्कफुल है या नहीं। लेट्स सी। इस वाटरफॉल के लिए आपको कुछ दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको अपने एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों की याद जरूर आ जाएगी, क्योंकि आप खुद को यहाँ नहाने से नहीं रोक पाएंगे। वाटरफॉल के अंदर मैं आ गया हूँ और क्या बात है, यहाँ पे फ्लो अगर आप देखो और फुहारे पूरी एकदम पड़ी जा रही है, मजा आ रहा है, मिस मत करना भाई, जरूर यहाँ पर आना और नहाना जरूर। आओ ये देखो क्या हो गया। वाटरफॉल के ही ठीक पास में आपको एक पूल के साथ रेस्टोरेंट भी मिलेगा और आप चाहे तो अपना लंच भी इस वाटरफॉल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस वाटरफॉल के आगे भी कुछ वाटरफॉल्स हैं जहां पैकेज में आपको नहीं ले जाते हैं, लेकिन मैंने जहां से पैकेज लिया था उनसे कुछ प्लेसेस कस्टमाइज भी करवा ली थी। तो यहां पर आपको कई सारे मिनी मार्ट, अल्फा मार्ट, इंडो मार्ट टाइप की दुकानें मिलेंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ से आपको डेली नीड की चीज़ें ले लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ सस्ते मिलते हैं और ये हर जगह आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा, मतलब हर 50-100 मीटर या उससे कम भी दूरी पर आपको सिटी में तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर पानी का दाम पता करते हैं। 1.5 लीटर पानी का दाम यहाँ पर 25 रुपये है, मतलब कि जो इंडिया में लगभग दाम है वही आई थिंक इसको, हाँ 1.5 लीटर की ये बॉटल है। दूध यहाँ पर 1 लीटर का मिल रहा है, ये मिल रहा है और लगभग 100 रुपये का है। और इसी के साथ बियर की प्राइस भी पता करते हैं, बहुत सारे लोगों को बियर पीनी होती है और क्लब वर्क में महंगा मिलता है, तो यहाँ पे कितना है। ये बियर एक नॉर्मल मैंने उठाया है, ये लगभग 150 रुपये से कम की है, तो 150 रुपये में भी मिल जा रहा है, उससे कम की भी कुछ 23,000 यानी कि और कम में भी मिल जा रहा है, 130-140 में मिल रहा है। तो ये प्राइसेज हैं। ओरियो बिस्किट मैंने यहाँ पर देखा है वो लगभग 50 रुपये का मिल रहा है। केलॉग्स का ये आप बड़ा वाला पैकेट, ये आपको लगभग 150 रुपये का मिलेगा। तो ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको सभी डेली नीड की ज़रूरत वाली चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से आप ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंडिया और यहाँ की चीज़ों में नहीं मिलेगा आपको। उबुद में इसके बाद मैं पहुँचा यहाँ के राइस टेरेस पर। बाली के उबुद में जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं हनीमून वाले कपल वाले अपने इंडिया से, और वो किस लिए आते हैं, राइस टेरेस के लिए। अब राइस टेरेस क्या है, राइस टेरेस एक तरह से आप कह सकते हो कि चावल के खेत हैं और उसकी एक टेरेस बनी है, बालकनी बनी है और वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं लोग और वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन मैं क्लोज़ आपको ले जाऊँगा, अभी दिखाऊँगा क्लोज़ कैसा होता है। फिलहाल मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बताता हूँ क्या क्या इंक्लूड है और चार्जेस क्या हैं। चार्जेस कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पर एंट्री टिकट, मैं कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन चार्जेस जो हैं एंट्री केवल करने के लिए आपको देने पड़ते हैं 50,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि आपको लगभग 250 रुपये के आसपास देने पड़ते हैं, 250 से 300 रुपये, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ये यूसी आइकॉन और ये लव नेस्ट, मतलब इस घोंसले में आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, बम्बू बोट में फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं इतने पैसे में, ये कॉम्प्लीमेंट्री है जो आपने 250 रुपये वाला एंट्री टिकट लिया है। उसके अलावा भी यहाँ पर और कुछ होता है और उसके भी चार्जेस हैं, वो भी मैं बताऊँगा। फिलहाल एक और जो है जो स्विंग पे झूले पे बहुत सारी आप इंस्टा पे फ़ोटो देखे होंगे, फ़ोटोज़ लोग क्लिक करवाते हैं, इसके आपको लगभग इस ड्रेस के, लॉन्ग ड्रेस के लगभग आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करने को और वर्थफुल रहेगा या नहीं वो भी मैं बताऊँगा आपको। राइस टेरेस अपने स्विंग्स के लिए मशहूर है और कपल यहाँ ढेरों पिक्स क्लिक करवाते हैं, जिसमें आपको राइस टेरेस के प्यारे व्यूज भी दिखते हैं और यहाँ आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये प्लेस वर्थफुल रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये प्लेस वर्थफुल है। आप एंट्री फीस देकर ही इन नज़ारों का कम से कम लुत्फ उठा सकते हैं और फोटोज तो आप क्लिक करवा ही सकते हैं खूब सारी और खा पी भी सकते हैं। उबुद में राइस टेरेस के बाद आती है बारी किंतामणि नाम के प्लेस की, लेकिन उसके पहले रास्ते में ही आपको एक अलग बाली दिखता है। बाली में किंतामणि की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और यहाँ पूरे रास्ते में मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं, मतलब अगल बगल हर जगह मंदिर यहाँ पर खूब सारे दिखते हैं और साथ ही आपको बढ़िया खूबसूरत खेत भी दिखते हैं और एक वो पहाड़ वाला एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप यहाँ पर ले पाते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कुछ फार्म वगैरह हैं जहाँ पर मतलब ऑरेंज के तो इतने सारे पेड़ हैं और यहाँ पे कुछ खरीदते भी हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह। ये देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है, और दूर एकदम उधर आप देखोगे वो देखो आप बादल एकदम नीचे आया हुआ है, तो वो हिल स्टेशन वाली फीलिंग आपको यहाँ उबुद के जब आप आगे बढ़ते हैं किंतामणि की तरफ तो वो भी मिल जाती है। कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मौसम सबसे ज़्यादा है खुशनुमा, जो गर्मी लग रही थी वो गर्मी तो एकदम छू मंतर हो चुकी है यहाँ पर, और मतलब थोड़ी हल्की ठंडक हो गई है। वैसे यहाँ मुझे कुछ अलग फ्रूट्स भी मिले जिनमें से कुछ तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। तो यहाँ पर ये पैशन फ्रूट है, ये मैंने लिया हुआ है, तो इसका जो प्राइस है ये 25,000। मैंने फर्स्ट टाइम में खाया है, मतलब बहुत टेस्टी है, मीठा मीठा है, और ये तो मैंने ट्राई नहीं किया है ये यहाँ पर, और इसे अंगूर कहते हैं यहाँ पर वैसे, और ये है स्नेक और सलाक, इसे सलाक कहते हैं। इसको ट्राई करता हूँ कैसा है। ये भी आप ट्राई करना, मज़ेदार तो है। थोड़ा थोड़ा मैं लेने वाला हूँ सब चीज़, और जब आप आए यहाँ पे इसको जरूर ट्राई करें। किंतामणि आप जाएंगे तो ये नई चीजें देखने को मिलेंगी। Can you please tell the name of every fruit? Sala, Sala and Pisang, Pisang and Jiru, Chiru, Jiru, Jiru. Okay, इसे Jiru कहते हैं यहाँ पे। Mangish इसे कहते हैं, एंड Naga, ड्रैगन फ्रूट को Naga, इसे Tarang कहते हैं, इसे अंगूर कहते हैं हमारे यहाँ, ये कुछ और ही, ये तो दिखता ही नहीं है, और ये मैंगो को यहाँ पे मांगा बोला जाता है आम को, तो आप जान लो इंडोनेशिया में यहाँ पर सब फ्रूट का नाम क्या होता है, अब आप सीख जाओगे। मेरा यहाँ पर स्टे कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको रूम दिख जाएगा पूरा का पूरा एक नज़र में, और वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए, टीवी है और फ्रिज भी है उसके अंदर, और बाकी बेड काफ़ी बढ़िया है। एयर कंडीशन रूम है यहाँ पर, जब भी ले एयर कंडीशन रूम ही ले क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है। और इसके अंदर आएंगे तो ये काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है बाथ टब के साथ। तो ये कहाँ पे स्टे है, उबुद में है, और उबुद में जो मंकी फॉरेस्ट है उसी के ठीक बगल में ही है, तो यहाँ पर बोलते भी हैं होटल वाले कि भाई सामान वगैरह थोड़ा सा बचा के रखें। बाकी किससे मैंने बुकिंग कराई है जिनसे भी उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं दे दूंगा, जिससे आप भी अगर यहाँ पर ये बाथ टब वाला बढ़िया सा रूम अपने हनीमून के लिए बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी ये पूरा रिजॉर्ट है, पूरा गार्डन है, पूल वगैरह भी है, आगे पूल भी दिखा देता हूँ। मेरे स्टे में आपको पूल भी मिल जाएगा, और ये रहा वो पूल, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह खूब बढ़िया बढ़िया आएगी, और पूल कितना खूबसूरत लग रहा है। उधर भी एक बैक साइड में पूल है, और ये पूरा एकदम आपको जो रिजॉर्ट वाला फील है वो वहाँ पे यहाँ पे मिल जाएगा काफ़ी सस्ते में। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया रूम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और कई सारे कैटेगरी है, और यहाँ पे मतलब आपको 2,000-2,500-3,000 रुपये पर नाइट में भी रूम मिल जाएंगे, इवन इससे सस्ते में भी, और दूसरी जगहों पर भी मिल जाएंगे, और इवन कई जगहों पे पूल एक्सेस भी है। तो हर बजट का है, बाकी बजट का पूरा प्रॉपर मैं डिटेल तो आपको आगे बता ही दूंगा, तब तक आप मज़े ले आगे वीडियो में और भी प्लेसेस के। तो किंतामणि के व्यू पॉइंट पर मैं आ गया हूँ, और व्यू पॉइंट पर पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, व्यू पॉइंट बाद में दिखाऊंगा, पहले ये आप देखो, ये प्यारे प्यारे पपीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, वो कितने क्यूट है, वाह। चलो जी ये तो आप देख लिए होंगे, और इधर अब आप देखो ये है वो व्यू पॉइंट,
बहुत ही प्यारा लग रहा है, बादलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बढ़िया मस्त आते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो ये व्यू पॉइंट आपको ज़रूर पसंद आएगा। इधर भी आप देख लो, पूरा व्यू पॉइंट है। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि वो उत्तराखंड के पहाड़ और वैसा कुछ होगा, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। मतलब कहीं कहीं काली काली घास है, क्योंकि शायद वोल्केनो की वजह से है, लावा वगैरह की वजह से है, और कहीं एकदम ग्रीनरी है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे। और कैमरे में शायद ना समझ में आए ये चीज़ें, पर सामने से बिल्कुल ही अलग व्यू है। उबुद में काफी बड़ी मार्केट है और यहाँ शॉपिंग, फूड और स्कूटी रेंटल जैसे सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाली में आपको जगह जगह पर स्कूटी या बाइक आपको रेंट पे मिल जाएगी, वैसे ज्यादातर आपको स्कूटी मिलेगी जो कि बाइक वाला फील दे देगी, जो कि कुछ इस तरह की है। अभी इस पे चार्जेस क्या होते हैं, अभी उबुद की मार्केट में हूँ और उबुद में आपको ये मिलेगी 500 रुपीज ओनली, 400 में भी अवेलेबल है, इवन 350 में भी कुछ कुछ है। तो अगर एकदम लेटेस्ट नई है, बढ़िया सी लेते हैं, तो आपको 500 रुपये तक में मिल जाएगी। इसके साथ हेलमेट भी मिल जाएगा और आपको लगभग 1500 से 1600 रुपये इनको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा जब आप रिटर्न करेंगे, अगर आप ठोकेंगे नहीं गाड़ी को। दूसरी चीज़, आपका पासपोर्ट नंबर नोट करते हैं और कुछ भी नहीं, बस आपको दे देंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और आराम से मिल जाएगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो और भी सस्ते में मिल जाएगा। पिछली बार सेमिनियाक में मैंने लिया था, जो कि कोटा के पास में, तो वहाँ और सस्ते में मुझे मिल गई थी, लगभग 250 से 300 रुपये में। पर फिलहाल अभी ये रेट है, सो देखते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे। फिलहाल इस रेट पे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो सस्ते में प्लान कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, बस इससे काले होंगे थोड़े से। यहाँ पर आप शर्ट भी ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया। हाउ मच? 200 1000 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा। तो 1000 रुपये की शर्ट बता रहे, पिछली बार मैं देख रहा था तो 500 रुपये के आस पास में था। 50,000? No, how much then? 100 less. 100. 1000 से सीधे 500 रुपये पे आ गए, तो यहाँ पे बार्गेनिंग जरूर करवाए। उबुद से काफी सारे प्लेसेस के डे टूर्स होते हैं और डे टूर्स के लिए आप यहाँ की मार्केट में भी पता कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज योर कॉन्टेक्ट नंबर? या यू वांट मी टू टिल नाउ? I will call you. Okay. You yes. will call me. I will give your number in the description. People will contact you. Yes, I have a YouTube channel. Okay. So मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो बुक कर सकते हैं। उबुद से ही अगले दिन मैं बेडगुल नाम की जगह के टूर पर निकला, जिसके घुमावदार रास्तों के सुकून भरे नजारों को देखते हुए आप पहुँचते हैं इस बड़ी सी लेक के पास, जहाँ पड़ता है उलुंडानू टेम्पल। उलुंडानू टेम्पल के टिकट काउंटर यहाँ पर पीछे है और टिकट मैंने ले लिया है। टिकट का प्राइस जो है वो है 75,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि लगभग आपको 400 रुपये का ये पड़ेगा, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल वगैरह भी मिल जाती है। तो ये एंट्री टिकट है यहाँ पर पर्सन का। जो टाइमिंग है यहाँ की, वो मॉर्निंग में आप यहाँ पर 6 से लेके इवनिंग 6:30 तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। टेंपल के अंदर जाने पर पहले आपको गार्डन मिलेगा और फिर थोड़ा चल के आता है यहाँ का मेन टेंपल। पिछली बार जब मैं बाली आया था तो मैं आया था उलुंडानू टेंपल पर, और उस टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे उतना पसंद नहीं आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन इस बार ये है मौसम और बादलों से घिरा हुआ, पीछे पहाड़, और ये है मेन उलुंडानू टेम्पल, और बहुत प्यारा व्यू आता है। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, गर्मी हो तो अम्ब्रेला लेकर आ जाए, लेकिन आपके पिक्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आएंगे। उस टाइम से अब में काफ़ी डेवलपमेंट भी यहाँ पर हो गया है, मतलब गार्डन वगैरह काफ़ी अच्छा बन गया है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो आएँ यहाँ पर ज़रूर, और आपके लिए पैसा वसूल होगा यहाँ पर, क्योंकि व्यूज़ बहुत अच्छी है। और आगे आकर वहाँ पे जाकर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इस टेंपल के बाद आप इससे कुछ ही दूर पड़ने वाले हंडारा गेट पर जा सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 150 रुपये है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेस वर्थफुल नहीं है।
उलुंडारू टेम्पल से मात्र 10 मिनट ड्राइव करके आप पहुंच जाते हैं हंडारा गेट पर। मेरे बैक साइड में जो दो गेट बड़े बड़े दिख रहे होंगे, ये है हंडारा गेट, और इसके लिए आपको एंट्री फी भी पे करनी पड़ती है, जो कि मैंने नहीं पे की है और यहाँ तक मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग करीब जाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, तो एंट्री फीस क्या है वो मैं देख लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये गेट है। और सेकंड थिंग कि ऐसे गेट आपको यहाँ के कई सारे टेम्पल्स में मिलेंगे और आप इजीली फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर मनी। अब चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के खेत है, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी काफ़ी सस्ती मिलती है, और यहाँ पर 100 रुपये की आपको ये छोटी वाली स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी, स्मॉल वन। ये स्ट्रॉबेरी 100 रुपये की मिल जाएगी, और ये लेंगे तो ये 200 रुपये की मिल जाएगी। तो स्ट्रॉबेरी मेरे हिसाब से यहाँ से ले जाना चाहिए, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उबुद के मेन मार्केट में ही कुछ टेम्पल भी है, और यहीं पर मंकी फॉरेस्ट भी है, जहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। उबुद की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है, और वो है मंकी फॉरेस्ट। बहुत सारे मंकी आपको यहाँ रास्ते में जब आ रहे होंगे तभी दिखेंगे, इवन मेरा जो होटल है वहाँ पर भी खूब सारे मंकी दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको अंदर फॉरेस्ट में एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, और एंट्री टिकट है यहाँ पर 500 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों के लिए 400 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से ये फॉरेस्ट ओपन हो जाता है, और इवनिंग में लगभग 6 बजे तक ओपन रहता है, 5 बजे तक एंट्री होती है। अब यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर आपको केवल मंकी दिखेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के भी मंकी दिख जाएंगे। घूमने में 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पर लग सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप आराम से घूम सकते हैं। और बाकी मर्ज़ी आपकी है, बजट अगर आपका अलाउ करता है तो आप ज़रूर जाएं अंदर। मैं पिछली बार यहाँ पर जा चुका हूँ, केवल मंकी आपको दिखेंगे, हालांकि मेरे घर पे खुद ही मंकी आते हैं, तो मुझे इतना देखने का फ़िलहाल शौक नहीं है। और यहाँ पर मतलब आपको कई सारी चीज़ें अलग अलग भी देखने को मिलेंगी, मतलब मंकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ मिलेंगी, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर बजट अलाउ करता है तो ज़रूर जाएं अंदर। बाली में एक बीच क्लब भी है, जहां पर आप आकर कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका नाम है बिंटांग बीच क्लब, और यहां पर ढेरों वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉकलिंग, बनाना बोट राइड, सी वॉक, पैरासेलिंग, और भी बहुत सारी यहां पर होती है। फ्लाई बोर्ड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें कि ऊपर पानी के प्रेशर से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। अब प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस के लिए मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट के थ्रू आप जान सकते हैं प्राइसेस क्या है, सब पे 20% डिस्काउंट भी है। स्कूबा का मैं आइडिया दे देता हूँ, लगभग 5,000 रुपये में यहाँ पर स्कूबा आपकी हो जाती है, और वही आप बनाना बोट राइड करते हैं तो पर पर्सन लगभग 1,000 रुपये का खर्चा आता है, दो लोग मिनिमम होने चाहिए, मतलब वो आपका 2,000 से 2,500 के बीच में होता है। वही आप पैरा सेलिंग करते हैं तो मात्र आपको 6 मिनट के लिए $48, मतलब 4,000 रुपये के आसपास में पैरा सेलिंग भी हो जाती है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मुझे जो भी एक्टिविटीज़ दिखी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी है, मतलब कि नॉर्मल सी ही एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत जल्दी करा दे रहे हैं, और मतलब एडवेंचरस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ आइलैंड टूर भी यहाँ से होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। सिम कार्ड के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उबुद में मैं हूँ, और उबुद में यहाँ पर मुझे सिम कार्ड मिल रहा है 7 GB, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, केवल कॉलिंग के लिए चाहिए और मैसेज वगैरह के लिए, तो 7 GB का मैं ले रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे यहाँ पर देने पड़ रहे हैं 750 से 800 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। वैसे कूटा की मार्केट में सस्ती मिलती है, और मतलब लास्ट टाइम लिया था तो वहाँ पे सस्ती मिली थी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि एयरपोर्ट पे थी, तो अब ज़रूरी है इसलिए मैं ले रहा हूँ। बाकी आप आना तो एयरपोर्ट पे मैं नहीं सजेशन दूंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ले भी ले, अदरवाइज़ कूटा की मार्केट वगैरह में ले लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा ठीक पड़ेगा। 35 GB का अगर लेना चाहते हैं तो 1500 से 1700 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। बाली के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आइलैंड टूर पर ले चलूंगा, और बाली की कुछ और फेमस प्लेसेस के साथ यहाँ की आइटनरी और बजट बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।